तो हे गाइज, कैसे आप सब। तो आज मैं चाइनीज मूवी ए लाइफ, जो मूवी 2020 की बनी हुई है, तो इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। मूवी के शुरुआत में गाइस जुनू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में बैठकर मतलब ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है। और फिर क्या होता है कि वो अचानक से टीवी देखता है, जिसमें न्यूज़ दे रहा होता है कि मतलब शहर में इन्फेक्शन की वजह से ज़ॉम्बी की मतलब तादाद बढ़ती जा रही है, और उसे अलर्ट रहे बच्चे। और फिर क्या होता है कि ये मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है जुनू, और वो अपने फैमिली के पास कॉल करता है। तो उसके फैमिली वाले बोलते हैं कि वे सेफ हैं और वो खुद को सेफ रखे। इसके बाद ये ऑनलाइन गेम खेलने लगता है, और फिर बाहर देखता है तो सच में मतलब ये 30वें मंजिल पे था। तो वहाँ से बाहर देखता है तो सच में नीचे ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है चारों तरफ। और फिर क्या होता है कि आकर फिर से गेम खेलने लगता है, और तभी इसके एक पड़ोसी आता है। और क्या होता है कि वो इससे मतलब हेल्प मांगता है, लेकिन इसको डाउट होता है। और फिर उसको मतलब वो ज़बरदस्ती टॉयलेट में घुस जाता है इसके। इसके बाद जोनू अलर्ट हो जाता है, क्योंकि इसको पता चल गया था कि वो ज़ॉम्बी बन चुका है। और वो आता है और अटैक कर देता है इसका पड़ोसी, और फिर ये मार देता है उसे। इसके बाद जुनू ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। और फिर क्या होता है कि ऑनलाइन ये देखता है कि मतलब लोग ऑनलाइन वीडियो बनाकर और हेल्प मांग रहे हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं। तो फिर ये भी एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता है कि इसे हेल्प चाहिए और ये ज़िंदा रहना चाहेगा, और फिर कर देता है और फिर ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि मतलब इसका नेटवर्क इरर होने लगता है मोबाइल का, और गेम नहीं चलता है। इसके बाद परेशान हो जाता है जुनू। और फिर क्या होता है कि जुनू को मतलब नहीं लगता है कि वो बच पाएगा, और जब भी बाहर जाता है वहाँ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि जुनू कमरे में जाता है, और वहाँ पे एक वॉइस मैसेज आता है। और फिर क्या होता है कि वो तो वॉइस मैसेज डाउनलोड नहीं होता, तो उसको डाउनलोड करने के लिए जुनू अपने स्टिक के सहारे फ़ोन को बाहर निकालता है कि टावर आ जाए फिर उसे सुन सके डाउनलोड करके। फिर नहीं होता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि 10 दिन तक मतलब जुनू भूखे रहता है, क्योंकि ज़ॉम्बी बाहर थे और खाना कहाँ से लाए, खाना भी ख़त्म हो गया था। और फिर फाइनली मरने का कोशिश करता है और फिर फांसी लगाने लगता है। तो तभी इसके चेहरे पर एक लेजर लाइट आती है, जिसकी मदद से वो समझ जाता है कि मेरे अलावा भी कोई है। और वो जाता है कि सामने देखता है कि सामने वाले बिल्डिंग में एक लड़की है जो इशारा कर रही है। तो ये समझ जाता है कि वो लड़की भी अभी मतलब ज़ॉम्बी नहीं बनी है। और फिर क्या होता है कि ये दोनों इशारे में बात करने लगते हैं। और फिर क्या होता है, जुनू एक ड्रोन की मदद से वायर बांध देता है, मतलब सामने भेज देता है उस लड़की के पास, और उस लड़की का नाम इविन होता है। और फिर उस वायर को वो पकड़कर बांध देती हैं, और ये मतलब ये इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में वायर बांध देते हैं, और एक दूसरे के साथ मतलब ज़रूरत का सामान और खाने का चीज़ एक दूसरे को ये भेजते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि जो वायर होता है वो जुनू की ओर से टूट जाता है और नीचे गिर जाता है बिल्डिंग से, और बिल्डिंग के नीचे तो सारे ज़ॉम्बी होते हैं। और ज़ॉम्बी एक ज़ॉम्बी उस वायर को पकड़कर और यूविन के बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये जुनू देख लेता है और परेशान हो जाता है। और फिर उस ज़ॉम्बी को गिराने के लिए ये अपने ड्रोन को उड़ाता है, क्योंकि उसका ध्यान इधर उधर करे तो गिर जाए फिर से, क्योंकि वो चढ़ जाता है पूरा बिल्डिंग पर। और फिर वो ऐसा नहीं कर पाता है जुनू, क्योंकि वो इसका ध्यान मतलब भटक जाता है, और वो ड्रोन को पकड़ लेता है ज़ॉम्बी और उसे तोड़ देता है। इसके बाद इविन भी बेहोश हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि वो ज़ॉम्बी चढ़ जाता है लास्ट तक, फिर इविन को होश आता है और वो कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी का मतलब हाथ काट देती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी गिर जाता है और फिर उसकी जान बच जाती है। और फिर ये जैसे तैसे दोनों सर्वाइव करते हैं, और फिर जुनू उसे इविन को इशारे में बोलता है कि ऊपर वाले मतलब बिल्डिंग में खाली हैं, वहाँ ज़ॉम्बी नहीं है, वहाँ चलते हैं। और फिर क्योंकि इसने ड्रोन की मदद से वहाँ देख ली थी पहले से, और फिर ये जैसे तैसे मतलब निकल कर नीचे ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं, और जैसे तैसे जान बचा कर निकलते हैं, और फिर ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं उस मंजिल पर, तो देखते हैं कि वहाँ भी ज़ॉम्बी हैं बहुत सारे ज़्यादा, क्योंकि उस समय जब देखा था जुनू तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब आ गए थे ज़ॉम्बी शायद। और फिर क्या होता है कि दोनों मतलब भाग रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैकड़ों ज़ॉम्बी आ चुके थे। और फिर इन दोनों को एक आदमी बचा लेता है, और फिर वो आदमी अपने कमरे में ले जाता है और फिर खाना वाना खिलाता है। लेकिन इविन को शक होता है कि क्यों ये अनजान आदमी बचा रहा है। और फिर क्या होता है कि वो पानी में नशे का दवाई डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाता है ये जुनू।
और फिर क्या होता है कि इसको इवन को मतलब होश ही में रहती हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी वाइफ मतलब जोम्बी बन चुकी थी और उसका खाना बनाने के लिए इवन को मतलब सामने फेंक देता है, क्योंकि वो अपने वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने वाइफ को मतलब जोम्बी बन जाती हैं फिर भी उसे बांध कर रखता है, और फिर इवन को उसके आगे कर देता है और रस्सी पकड़ लेता है। और जो ही उस आदमी का मतलब पत्नी जो वाइफ थी जोम्बी बन चुकी थी उस इवन को खाने वाली थी, तो पीछे से मतलब जुनू आ जाता है और उसे मार देता है, वो मतलब ध्यान भटकाता है, और फिर क्या होता है कि इवन बच जाती हैं और उस आदमी का वाइफ उसी को मतलब खा जाती हैं जोम्बी जो रहती हैं। और इसके बाद जुनू और इवन को लगता है कि अब वो बचेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत सारे जोम्बी हैं और वो भी इन्हें मार देंगे। और फिर क्या होता है कि तभी से उस कमरे के सामने से मतलब एक जेट आती है जिसमें मिलिट्री वाले होते हैं, और फिर क्या होता है कि वो इन्हें लगता है कि बचाने के लिए आए हैं और ये मतलब वहाँ से भागने लगते हैं और जैसे तैसे जोम्बी से बचकर मतलब ऊपर चले जाते हैं बिल्डिंग के सबसे लास्ट फ्लोर पर। और फिर क्या होता है कि पीछे से जोम्बी भी आ जाते हैं, और क्या होता है फिर कि इनके पीछे बहुत सारे जोम्बी भी मतलब ऊपर चले जाते हैं बिल्डिंग पर, और फिर देखते हैं कि वो मतलब जेट में नहीं है मिलिट्री वाले, मतलब वो हेलीकॉप्टर से जो आए थे वो कहाँ चले गए पता नहीं, लेकिन नीचे दिखे थे। लेकिन फिर क्या होता है कि इनको तो अब उम्मीद कम था कि ये बचेंगे, और फिर क्या होता है कि एक सारे मतलब एक साथ सैकड़ों जोम्बी आने लगते हैं और इन पर अटैक करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर मतलब मिलिट्री वाले आ जाते हैं जेट विमान से और इन्हें बचा लेते हैं, और फिर वो गोली वोली चलाने लगते हैं और जोम्बी को मार देते हैं मतलब जो भी है, और फिर इनको बैठा कर वहाँ से सरवाइव कर लेते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं ये। और बाद में पता चलता है कि इनको बचाने के लिए मिलिट्री इसलिए आई थी क्योंकि ये जुनू जो था वो वीडियो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, और फिर यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है। तो आई होप गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको पसंद आई होगी ये मूवी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।